हेलो दोस्तों वेलकम टू मैथ्स मसाला तो दोस्तों आज हम लोग मैथ मैथ का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है सक्सेसर यानी कि अनुवर्ती और प्रेडिसिसर यानि कि पूर्ववर्ती इसको पढ़ने वाले हैं दोस्तों बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं होता ये बहुत आसान है लेकिन बच्चे जो है इसमें गलती अक्सर कर देते हैं तो दोस्तों आज आशा करता हूँ कि मैं आपको बताऊँगा फिर आपसे कभी गलती इस टॉपिक को लेकर कभी गलती नहीं होगी तो दोस्तों सक्सेसर मिस होता है अनुवर्ती और प्रडिसेसर मिस होता है पूर्ववर्ती इसका अर्थ क्या होता है इसका मीनिंग क्या होता होता है दोस्तों आइए देखते हैं दोस्तों यहाँ पे जो अनुवर्ती है इसको हम लोग काफी कुछ किताबों में आपको यहाँ पे उत्तरवर्ती भी मिलेगा उत्तरवर्ती ऐसा भी आपको लिखा हुआ मिल जाता है तो आप कन्फ्यूज ना होना इन तीनों का मतलब एक ही होता है दोस्तों जो सक्सेसर होता है कोई भी संख्या आपको दी गई है मान लीजिए आठ यहां पे दिया गया है आपको इसका सक्सेसर लिखना है तो आप क्या करेंगे सक्सेसर में क्या करते हैं दोस्तों यहां पे एक जोड़ देते हैं और दोस्तों प्रीडीसीसर में क्या करते हैं दोस्तों एक घटा देते हैं जैसे यहां पे आठ लिखा हुआ है हमको इसका उत्तरवर्ती लिखना है तो हम इसमें एक जोड़ देंगे यानी कि इसका संख्या हो जाएगा नौ और दोस्तों यदि हमको आठ का पूर्ववर्ती लिखना हो यानी कि लिखना हो तो इसमें से एक हम लोग घटा देंगे यानी कि इसका हो जाएगा सात तो दोस्तों आइए एक क्वेश्चन और करके देखते हैं जैसे मान लीजिए यहां पे लिखा है पैंतीस इसका यदि हमको अनुवर्ती लिखना है तो हम एक जोड़ देंगे यानी कि इसका हो जाएगा छत्तीस और यदि इसी 35 का हमको पूर्ववर्ती लिखना हो दोस्तों तो एक घटा देंगे तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा चौंतीस दोस्तों आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे तो दोस्तों दिक्कत बच्चों को कहाँ आती है वो हम अब, अब हम लोग डिस्कशन करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे ये चार क्वेश्चन दिया गया है बच्चों को अधिकतर इसी में समस्या होता है तो दोस्तों क्योंकि सक्सेसर में यानी कि अनुवर्ती में हम लोग क्या करते हैं एक जोड़ देते हैं ये चारों क्वेश्चन क्वेश्चन दोस्तों माइनस का है तो हम क्या करेंगे यहां पे सबसे पहले क्योंकि हमको यहां पे जोड़ना है तो हम यहां पे प्लस एक लिख देंगे अब दोस्तों क्योंकि आप जानते हैं प्लस और माइनस होता है माइनस मतलब इसको हम लोग घटाएंगे तो आठ में से एक घटाएंगे तो यहां पे आपका आ जाएगा सात और दोस्तों जो संख्या जिसका जातीय मान बड़ा होता है हम लोग उसी का चिन्ह है लगाते हैं यानी कि आठ इन दोनों संख्याओं में बड़ा है तो इसका माइनस का चिन्ह यहाँ पे लगा देंगे दोस्तों माइनस आठ और प्लस एक की बात करें तब तो प्लस एक बड़ा नंबर है लेकिन यदि हम आठ और एक की बात करें तो आठ इसमें से बड़ा है या दोस्तों यूँ कह लें कि जिस संख्या से हम लोग घटाते हैं या जिस संख्या से हम लोग जोड़ते हैं वही संख्या का चिन्ह हम लोग आगे लगा देते हैं अब यहाँ पे भी दोस्तों माइनस छः सौ है और यदि इसमें हम प्लस एक करेंगे दोस्तों यहाँ पे क्योंकि छः सौ में से एक को हम लोग घटाएंगे तो यानी कि यहाँ पे साइन लग जाएगा आपका माइनस और छः सौ में से एक जाएगा दोस्तों तो आपका आ जाएगा पाँच सौ निन्यानवे ये दोस्तों होता है और दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे सात सौ निन्यानवे लिखा हुआ है इसमें हमको एक घटाना है यहाँ पे माइनस एक लिख देते हैं तो माइनस माइनस दोस्तों होता है प्लस यानी कि इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे लेकिन दोस्तों चिन्ह जो है वो माइनस का ही लगाएंगे तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा आठ सौ ऐसे दोस्तों माइनस नौ सौ अस्सी है इसमें से यदि एक हम घटाएंगे तो दोस्तों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस लिखकर जोड़ने पे हमको मिल जाएगा नौ सौ इक्यासी तो दोस्तों आपको कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल मैथ्स मसाला को सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन भी दबा दें धन्यवाद साथियों